हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू आर वाचिंग टच पावर ब्लॉग। और आज के वीडियो में हम एक और नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आ गए हैं। सो आज हम कंगारू की तरफ से आने वाली रोटरी हैमर को अनबॉक्स करेंगे और इस मशीन की पूरी स्पेसिफिकेशन से लेकर इसके प्राइस पॉइंट तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और गाइस, इस मशीन को कहाँ से आपको परचेस करनी है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। और इस मशीन को कोई रोटरी हैमर से जानता है तो कोई इसको 2-20 के नाम से जानता है, और तो कोई इसको ऑटोमेटिक हैमर मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो आप किस नाम से जानते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और गाइस, इस मशीन की वेट की बात करें तो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है। अब देखते क्वालिटी में कैसी है। मैंने सुना है अब तक तो क्वालिटी में A1 मशीन है ये। तो इस मशीन को अनबॉक्स करते हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको रोटरी हैमर मशीन का बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि बॉक्स मुझे इतना प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स लगा नहीं। बॉक्स एकदम आपको खिलौने जैसा लगेगा, मुझे तो लग रहा है भाई खिलौने जैसा। आपको लग रहा है कि नहीं तो आप कमेंट करके बताना ज़रूर। यहाँ पर कुछ आपको कंगारू की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर रोटरी हैमर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर वॉल्ट है जिसका 850 इसका जैसे कि वॉल्ट है। और इस तरीके से कुछ आपको अंदर मशीन देखने को मिल जाती है। और कंपनी यहाँ पर आपको 3 ड्रिल बिट्स एक्स्ट्रा दे देती है। और वो कौन से ड्रिल बिट्स है मैं आपको मशीन अनबॉक्स करने के बाद ही बताऊंगा। 2-20 यहाँ पर मॉडल नंबर है, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ लोग इसको 2-20 मॉडल नंबर से भी जानते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है इसके कुछ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कंगारू ड्यूरेबल सेफ जैसे कंपनी बोलती है। और कुछ इस तरीके से पीछे भी आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। और साइड की प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको साइड में पूरा देखने को मिल जाता है, और तो कुछ सेम है नहीं। और ऊपर की तरफ आपको कंगारू की ब्रांडिंग बड़े अक्षरों में देखने को मिल जाती है। तो इसके बॉक्स के ऊपर जो पॉलीथीन लगी हुई है वो मैं अभी हटा लेता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखेंगे और फिर इसको हम सीधे से अनबॉक्स कर लेंगे। तो ये कुछ बड़ी सी पॉलीथीन लगी हुई आई थी, तो पॉलीथीन को साइड में रखते। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स सस्ता फील दे देगा। मशीन का एक नंबर है, मशीन की कोई बात नहीं, बस खाली कंपनी को बॉक्स पे जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रोटरी हैमर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर रेटेड वोल्टेज में आपको 220 वोल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ये इनर वोल्ट लेता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 हर्ट्ज यहाँ पर दी गई हुई है। और इनपुट पावर की बात करें तो ये मैंने जैसे कि बॉक्स पे लिखा हुआ है 850 इसका इनपुट पावर है, 850 इसकी RPM है। यहाँ पर इस मशीन को लोड नहीं गिरने वाला, बिना किसी टेंशन के आप ये मशीन में बीट लगा सकते हो 20। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर एक और आपको पेटी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इतनी छोटी आपको पेटी जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर पेटी की बात करें तो पेटी पे आपको कुछ ज़्यादा ऐसा मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कंगारू की जो ब्रांडिंग दी गई है वो मेरे ख्याल से थोड़े अलग कलर से करनी चाहिए थी। इस पर ब्लैक कलर से ऐसे कंगारू लिखा हुआ रहता तो और थोड़ा प्रीमियम लगता। और तो बॉक्स की बात करें तो बॉक्स एकदम मतलब काम चला हुआ बॉक्स दिया गया है, बॉक्स पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दो क्लिप दिए गए, इन क्लिप को ऊपर करना है कुछ इस तरह से। और ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो है वो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक देखने को मिल जाती है, जो कि कंगारू की कंपनी की तरफ से आती है। सब कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। वारंटी मेरे ख्याल से कंपनी क्लेम नहीं करती है, बट अपने तरफ से हम वारंटी आपको दे देंगे अगर आप मशीन लेते हो तो। तो यहाँ पर ये वाले कुछ 3 बीट है, और ये कौन से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला आपको एक बीट देखने को मिल जाता है, जो कि 8 mm का बीट है। तो 8 mm का बीट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है एक। और यहाँ पर ये बीट जो है वो लॉक वाला है, इसके अंदर लॉक होता है। और फिर यहाँ पर एक और बीट देखने को मिल जाता है, तो ये 9 mm का बीट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डायमंड लगा हुआ है,
और फिर यहाँ पर एक और बिट है जो कि 10 mm का। तो इसके अंदर कुछ सीक्वेंस नंबर वाइज आपको बीट देखने को मिल जाते हैं 8, 9, 10। तो ये कुछ 3 बीट्स दिए गए हैं जिनका बहुत रेयर काम लगता है। अगर लगता है तो अच्छी बात है, वरना फिर ये आपके बीट कुछ काम के नहीं है, तो बस आपको अलग बीट लेना पड़ेगा। तो ये बीट जिनको काम में लगता है उनके लिए अच्छा है, और नहीं लगता उनके लिए कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और फिर तो आपको डायरेक्ट मशीन देखने को मिल जाती है। गाइस, मशीन के कलर की बात करें तो मशीन का कलर मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, मतलब बहुत अच्छा कलर चुना है कंपनी ने। तो इसको एक बार मैं निकाल देता हूँ, और यहाँ पर आपको कार्बन ब्रश देखने को मिल जाता है। एक पैर आपको कार्बन ब्रश का देखने को मिल जाता है, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पर कार्बन ब्रश लगते हैं, इसको पूरा खोलना पड़ता है। और तो फिर एक यहाँ पर लेवल स्टिक मिल जाती है, मैं आपका होल होके रुक जाएगा इसीलिए, लेकिन इसको कोई यूज़ करते नहीं है। तो अभी मैं सब ये पेटी वेटी सब साइड में रख देता हूँ। ये आपको हैंडल देखने को मिल जाता है, जिसको आप इस तरह से घुमाओगे तो ये टाइट हो जाएगा, इस तरह से वापस खोलोगे तो ढीला हो जाएगा। तो ये हैंडल आप खुद भी लगा सकते हो। मशीन की साइज़ की बात करें तो बहुत लंबी है, और एकदम मतलब मस्क्यूलर मशीन लग रही है, एकदम मस्क्यूलर बॉडी है इस मशीन की। कोई ग्राफिक्स इस पर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका चक है, पूरा रबड़ और प्लास्टिक से बना हुआ। ऊपर जो ये है रबर है, रबर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। फंक्शंस के लिए ये लीवर यूज़ होता है, हैमर के लिए, और ये जो है वो नॉर्मल, मतलब इस पर आप सिर्फ होल कर सकते हो, हैमर जो है वो आपका बंद है, और इस पर लाओगे तो आपका हैमर जो है चालू हो जाएगा। तो ये कुछ हैमर के लिए लीवर दिया गया है। स्टिकर लगा हुआ है कंगारू की ब्रांडिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ एयर कूलिंग विंड्स देखने को मिल जाती है, और कुछ ब्लैक कलर का यहाँ पर गेयर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। और इस साइड में आपको स्पेसिफिकेशंस इस मशीन की देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको आर्मेचर का विंड्स देखने को मिल जाती है, और नीचे की तरफ स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाती है। और ये आपका स्विच कंट्रोल बटन है, और यहाँ पर आपको लॉक बटन देखने को मिल जाता है। मशीन की वेट की बात करें तो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी है, मेरे ख्याल से ये 3 kg की मशीन होगी। और वायर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इतना बड़ा वायर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर सील लगी हुई है। सील जो है वो काट देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 meter वायर देखने को मिल जाता है, और प्लग की डिज़ाइन देखो, मतलब प्लग पे भी आपको हुक जैसा देखने को मिल जाता है, और सॉफ्ट है ये, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि हार्ड है, बट ये रबर का यूज़ किया गया है इस प्लग पे, पूरा 1-piece प्लग है। और यहाँ पर वायर की क्वालिटी बात करें तो वायर थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। वायर की कंपेयर करें तो डॉन्चिंग की जो मशीन्स के वायर आते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो एकदम 3D टच यहाँ पर ग्राफिक्स का देखने को मिल जाता है। इस मशीन पे आपको कंगारू की ब्रांडिंग जो है वो 3D में कर दी रहती तो और अच्छा फील आता था। यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन भी बहुत ही मस्क्यूलर लग रही है, और मशीन दिखने में बहुत ही लंबी लग रही है, बस बहुत ही तगड़ी मशीन। अभी इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं कि किस तरह से इसका साउंड आता है। मैंने अब तक साउंड टेस्ट नहीं किया है, और आपको भी सुनाता हूँ, और साउंड आप खाली सुनना। तो ये जो अभी जो साउंड आ रही है वो एकदम नॉर्मल पे है, मतलब मशीन हैमर पे नहीं है, और अभी मैं इसको हैमर मोड पे लाया हूँ। सो अभी आप इसकी आवाज़ सुनो भाई, हाथी जैसी ताकत है और घोड़े जैसी भागती है। गाइस आवाज़ देखो हैमर की, हैमर भी बहुत तगड़ा इसमें रिएक्ट कर रहा है पिस्टल इसके अंदर, क्योंकि इस पर आपको लॉक करना कैसे ये बीट को। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब थोड़ा नया है तो एकदम ऐसा स्मूथनेस नहीं है। तो ये आपका बीट है वो लॉक हो गया, अब जो है निकलेगा नहीं।
यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे आउट नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल पे करके चलाते, तो बस कुछ इस तरीके से आप बीट लगा सकते हो। और अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि बीट को एक्चुअल में खोलना कैसे। निकालेंगे तो ये थोड़ा क्या है, यूज टू नहीं है ना, जब आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो रबर कट जाएगा और आपके बीट जो है वो इजीली से अंदर जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना इस प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बहुत ही धमाकेदार है। और अगर आपको ये मशीन बाय करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने शॉप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और अपनी तरफ से हमने 6 मंथ की वारंटी रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, तो आप जाके बाय कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं आपको इस मशीन की प्राइस बता देता हूँ कि आपको कितने प्राइस तक ये मशीन आपको मिल जाएगी। इस मशीन की प्राइस जो है वो 2800 रुपये, 2800 रुपीज़ तक की इसकी प्राइस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मशीन को लेने में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो या फिर इसके बारे में पूछ सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और गाइस कमेंट और शेयर भी करिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।